पूरा 15 मिनट स्ट्रेट मैं रोती रही फोन पर, और मेरा पति नील मुझे दिलासा देता रहा बहुत ही प्यार से, पर कोई फायदा नहीं हुआ। अंत में उसकी विनतियों को मानते हुए मैंने जूम कॉलिंग किया, और उसकी सांत्वना देते हुए चेहरे को देखते ही फिर से मैं 10 मिनट स्ट्रेट रो पड़ी। और क्यों ना रो, मेरी ही तो गलती के कारण आज माँ गुजर गई है। ना मैं वो टूटी हुई कुर्सी बालकनी में रखती, ना माँ उस पर चढ़ के कपड़े सुखाने जाती, ना वो चट्टे माले से गिर के अपनी जान गंवा दी। सब मेरी ही गलती है, मैं बोली, पर नील प्यार से समझाया, आयशा मेरी जान, तुम कैसे गलत हो सकती हो। मम्मी जी से तो तुम बहुत प्यार करती थी, बेइंतहा प्यार करती थी। अगर तुम्हें मालूम होता कि ये एक्सीडेंट होने वाला है तो क्या तुम मम्मी जी को दिल्ली अपने साथ ले आती या उस कुर्सी को वहां रखती? नहीं ना, अब शांत हो जा, नई जगह पर अकेली हो, इस तरह से अगर तुम रोती रही तो बीमार पड़ जाओगी। मैं कल आ रहा हूँ ना बेंगलुरु से, दोनों मिलकर सब शॉर्ट आउट कर लेंगे। जरूरत पड़ा तो तुम्हारी नई ऑफिस से एक तो हफ्ते की छुट्टी लेकर बेंगलुरु वापस आ जाएंगे हम लोग। अब शांत हो जाओ, खुद को संभालो आयशा। नील की बातें सुनकर मन को थोड़ा सा तसल्ली हुआ। आंसू पोंछकर उसकी मासूम चेहरे को देखी मैं, कितना प्यार करता है ये लड़का आज भी मुझे। कॉलेज के दिनों से हम दोनों इनसेपरेबल थे, सब लैला मजनू बुलाते थे हमें, पर अब लॉकडाउन के बाद एक बेहतर जिंदगी के लिए एक अनजान शहर दिल्ली में नौकरी करने आ गई मैं, और वो वहाँ बेंगलुरु में इनकम बढ़ाने की कोशिश की जा रहा है। और शायद सब ठीक भी हो जाता एक दो सालों में, अगर नई जगह पर मुझे हेल्प करने के लिए आई मम्मी यूं अचानक एक्सीडेंट में अपनी जान न गंवा देती। नील को स्क्रीन पे देखते हुए यही सब सोच रही थी मैं कि अचानक नील के स्क्रीन के बाएं साइड से एक धुआं आता हुआ दिखा मुझे, जैसे सिगर का धुआं। और मैं बेरुखी के साथ पूछी, कौन है तुम्हारे साथ नील? कोई भी तो नहीं, नील बोला। झूठ मत बोलो, मैं जानती हूँ मेरी गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर तुम फिर से उस फिरंगी लड़की को घर बुलाया हो, और वो तुम्हारे बगल में बैठकर स्मोक किए जा रही है। निकालो उसे हमारी घर से अभी के अभी। आयशा तुम फिर से शुरू हो गई, तुम्हारी इसी गलतफहमी की वजह से आज हम लोग दोनों एक साथ नहीं रह रहे हैं। नील नाराज होकर बोला, तो मैंने भी गुस्सा दिखाई, गलतफहमी नहीं हकीकत। मम्मी ने कितनी बार तुम दोनों को एक साथ पकड़ चुकी है। मम्मी जी का तो नाम मत लो, शक्की बुढ़िया, पायल पहन के चुड़ैल जैसी छमछम करती हुई, कभी इस कमरे में झांकना तो कभी उस कमरे में चोरी छुपे देखना, यही आदत रह गया था उसकी। सारा दिन उल्टा सीधा सोचना, झाड़फूंक और मंत्रबाजी करना। बस दिस वॉज द लास्ट स्ट्रॉ। जिस इंसान का कुछ ही घंटे पहले निधन हुआ उस इंसान के बारे में इतनी करवाहट मैं सहन नहीं कर पाई, और लाइन को काट कर गुस्से में सोने चली गई। मॉर्निंग मिसेस बालासुब्रमण्यम। जी बोल रही हूँ, आप कौन? दिस इज द बेंगलुरु पुलिस, आप जितना जल्दी हो सके अपना होम टाउन वापस आ जाइए। क्यों? दरअसल बात यह है कि आपका हस्बैंड का कत्ल हो गया लास्ट नाइट। क्या, कैसे, किसने किया? किसने किया ये तो अब तक पता नहीं चला, इनफैक्ट किससे हुआ ये मर्डर ये भी समझ में नहीं आ रहा है। गले में जो निशान मिला देखकर तो ये लगता है कि ये बहुत ही छोटी और पतली चेन होगी शायद, पर ये चेन बहुत ही अजीब सा है क्योंकि पूरी चेन में बहुत सारे छोटे छोटे बॉल्स लटके हुए हैं, जैसे पायल या झुमके में होता है ना, निशान से तो वही अनुमान हो रहा है। पर मौत सफोकेशन ड्यू टू कंजेशन भी हो सकता है क्योंकि रूम में बहुत सारे सेज जली हुई अवस्था में मिला फॉरेंसिक वालों को। आप कृपया करके नेक्स्ट फ्लाइट पकड़ के ही बेंगलुरु वापस आ जाइए। नमस्कार दर्शकों, मैं आयशा
न्यू ईयर में सिर्फ दो ही सलाह दूंगी आपको। पहला तो हरदम आपके दिल की सुने, कभी भी किसी की बहकावे में आकर मेरे जैसा गलती मत कीजिएगा। और दूसरा सलाह ये है कि इस वीडियो को लाइक देते हुए इस चैनल थ्रिलर ट्यूब को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लिक टू सी द नेक्स्ट वीडियो एंड टेक केयर।